नमस्कार, हम छी राजेंद्र कुमार। अहाँ सबके स्वागत अछि मिथिला मिरर पर एक बेर फेर। भेंटघाटक कार्यक्रमके दौरान आइ जिनकासँ अहाँके हम एखन बात करायब, साक्षात्कार करायब, ओ शख्स बिहारके कांग्रेसके एकटा बहुत नम्हर चेहरा छथि, सङ्गे सङ्गे राष्ट्रीय प्रवक्ता सेहो छथि आओर बिहारके MLC सेहो छथि, आओर क्यों नहि प्रेमचंद मिश्रा जी आइ हमरा सबके समक्ष छथि। आउ हुनका सबके किछु गप करी। सर, मिथिला मिररसँ बात करैके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। 3 तारीखके जे अहाँके एकटा बहुत बड़का रैली जे गांधी मैदानमे भऽ रहल छै, तऽ ओहि रैलीसँ बिहारके वोटरके ऊपरमे की इम्पैक्ट पड़तै वा की सन्देश जेतै एकटा? नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुत दिनसँ रैली नहि कयने रहै पटनाके गांधी मैदानमे, आओर राहुल जीके अध्यक्ष भेलाके बाद एकटा उत्साह छै कांग्रेसमे पूरा देशमे। जहन हमर सबके नया प्रभारी गोहिल जी एतऽ अयलाह, अब PCCके नया सेटअप बनलै, तऽ ओहि विचार भेल रहै कि हमरा सबके गांधी मैदानमे अपना बलबूते रैली करबाक चाही। तऽ ओ रैलीके निर्धारण 1 महीना पहिने भेल रहै, 3 फरवरीके हमसब लागल छी, मेहनत कऽ रहल छी सब गोटा मिलकर एहि रैलीके सफल बनाबी, आओर एहिमे एतेक लोक आबै कि सब गोटाके लगै कि कांग्रेस एकटा ऐतिहासिक रैली कयलक। ई कांग्रेसके एकटा रैली करैमे तकरीबन 3 दशक लागि गेलै, मतलब रैलीसँ अछूता भऽ गेल छलैए बिहार जे एक तरहसँ देखल जाए तऽ। एहि सन्दर्भमे हम समीकरण नहि बुझि पेलियै कि एतेक दिन लगलै तऽ लगलै किया? ओ हमर सबके कमजोरी हम स्वीकार करै छी, जे हमर सबके पूर्ववर्ती प्रदेश कांग्रेस कमिटीके नेतृत्व करैवला सब छलाह, कतौ ने कतौ हुनकामे इच्छा शक्तिके कमी रहल हेतनि। चूँकि राजनीतिक दलके तऽ रूटीन वर्क छै कि रैली, सम्मेलन, प्रदर्शन, धरना, बड़का बड़का आयोजन, ओ हमसब नहि केलियै, लेकिन ओहिपर आब जाइके आवश्यकता नहि छै, करऽ जा रहल छी रैली, कांग्रेस आगू बढ़ि रहल छै। आ जेना राहुल जी कहलनि कि अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी, तऽ हमरा सबके वएह प्लानिंग अछि कि कांग्रेसके जे प्रतिष्ठा पहिने रहै बिहारमे ओकरा फेरसँ कायम कयल जाय, आओर कांग्रेस एकटा प्रमुख भूमिका राज्यके राजनीतिमे फेरसँ दै। तऽ कांग्रेसके तकरीबन बहुत दिनके बाद एहन कोन जरूरत पड़ि गेलै जे हठातमे मायावती आओर अखिलेश जीके गठबंधनके बादमे प्रियंका जी के आना पड़ले? नहीं नहीं, प्रियंका गांधी जी के राजनीति में सक्रिय भूमिका होए एकर दबाव बहुत साल से लोग सब दौड़े छने कांग्रेस नेतृत्व पर। सोनिया जी के सेहो कई बेर हम सब कहने रही, राहुल जी के कई बेर कहल गए कि प्रियंका जी को सक्रिय राजनीति पे लाइए, तो ये पूरा देश के जनमानस की इच्छा छले कि प्रियंका जी अपन भूमिका निभावत, और आई प्रसन्नता है कि प्रियंका जी एग्री कलखिन आ हुनका पार्टी के महासचिव बनायल गेलनि हँ। हमरा लगैए नहि सिर्फ उत्तर प्रदेशमे बल्कि पूरा भारतमे अगर एकटा पॉजिटिव सकारात्मक रुख कांग्रेसके पक्षमे लोकके मोबिलाइजेशन हेतै, चूँकि प्रियंका जीके अपन एकटा बड़ा प्रभावकारी व्यक्तित्व छनि, हुनकर बजैके शैली, ओ एक तरहसँ क्राउड पुलर छथि, आओर हुनकामे लोक इंदिरा जीके छवि देखै छै, तऽ ई तमाम चीजके जे गुण प्रियंका गांधीमे छनि ओकर लाभ निश्चित तौरपर कांग्रेसके पूरा देशमे भेटतै। जहाँ तक अहाँके एक्सपीरियंसके बात कयल जाए तऽ प्रियंका गांधीके जे पिछला 2 दशकके जे यदि हुनकर राजनीतिक देखबनि तऽ ओ हुनकर 2 टा जे परम्परागत सीट कांग्रेसके छै, अमेठी आओर रायबरेली, वएह 2 टा सीटपर हुनका हम प्रचार करैत देखलियनि हँ। तऽ एहि सन्दर्भमे मतलब ने हम चूँकि एकर समीकरण नहि बुझलियै जे पूर्वी उत्तर प्रदेशके हुनका जिम्मेदारी देल गेलनि हँ, तकरा बाद देशमे बहुत जगह छै जे सेहो कांग्रेस कार्यकर्ता हुनकर मांग कऽ रहल छथिन, तऽ एकटा अनएक्सपीरियंस्डके यदि मिल लियौ तऽ आओर सब जगहमे यदि अहाँ लऽ जेबै तऽ ओ ओकर उपलब्धता वा ओकर किछु एकटा एहन उत्साहवर्धक कोनो एहन बात हेतै जे कांग्रेसके वोटरके इम्पैक्ट करतै? देखियौ, प्रियंका गांधी जीके व्यक्तित्वके बारेमे किनको कोनो संदेह नहि हेबाक चाही। ओ अखन तक एकटा गृहिणी छली आओर अपन माताजीके क्षेत्रमे, भाइके क्षेत्रमे सहयोग करै छलखिन हँ, ताकि सोनिया जी, राहुल जी बेसी समय पूरा देशमे लगाबथि। ओ एकटा जिम्मेदारी ओ बहुत बहुत बखूबी निभेली। प्रियंका जीमे एकटा नैसर्गिक राजनीतिक गुण छनि आओर हुनकर व्यक्तित्व अत्यंत राजनीतिक तौरपर प्रभावकारी छै, हुनका अहाँ देखबै या बात करबै तऽ लागत कि एहिसँ बेसी अनुभवी राजनीतिक एहि देशमे बहुत कम छथि। तऽ ओ एकटा गॉड गिफ्टेड पर्सनैलिटी छथि आओर हुनकामे चूँकि लोक इंदिरा जीके छवि देखै छै, तऽ हमरा लगैए कि ओकरा अनुभवसँ जोड़ैके आवश्यकता नहि छै, हुनकामे एहि बातके पूरा राजनीतिक क्षमता छनि,
कि कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए राहुल गांधी के द्वारा प्रयास भऽ रहल छै ओहि प्रयास के वो अपनो ताकत और बल के द्वारा और मजबूत और सफलता के तरफ लऽ जाय में सफल हेती। कांग्रेस के हमरा प्रमुख तीन एजेंडा कहू जे ओ तीन एजेंडा लऽ कऽ कांग्रेस एबेर चुनाव लड़तै। सबसे पहले एजेंडा तो छै कि देश में भाईचारा कायम हो। धार्मिक और जातीय राजनीति के आधार पर बहुत नुकसान देश के भऽ रहल छै। धार्मिक कट्टरता एकटा बड़ा खतरनाक रूप लऽ लेल गेलैए। सब संवैधानिक संस्था के ध्वस्त कयल गेलै मोदी जी के तरफ से। सरकारी एजेंसी के राजनीतिक इस्तेमाल कयल गेलै। देश में कटुता बढ़लै है। और सबसे पैघ चीज एकटा धोखाधड़ी के राजनीति जे वादा प्रधानमंत्री कला 2014 में ओहिमे से एकोटा वादा पूरा नहीं भेलै। नहीं बिहार में, नहीं मिथिला में, नहीं कोनो राष्ट्रीय स्तर पर देखियो, चाहे वो ब्लैक मनी वाला गप रहे, महंगाई कम करे के बात रहे, बेरोजगारी दूर मिटावे के बात रहे, पाकिस्तान के सबक सेवा सिखावे के बात रहे, हर फ्रंट पर जे कहल जाए सरकार फेल भेलै है। तो आई एकटा मजबूत विकल्प के आवश्यकता छै। वो राहुल जी अपना कंधा पर लेला है और जहिया से अध्यक्ष बनला तहिया से कांग्रेस के और तेजी से आगू बढ़ने की यात्रा शुरू भेलै। और अखने हम तीन राज्य में भारतीय जनता पार्टी के हरा कर सरकार बनेलिए। तो एकटा ई जे विरासत भेटलै हमरा सबके ओहिमे राहुल गांधी जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति लोग के विश्वास, झुकाव और समर्थन बढ़लै है। बिहार में कम से कम एक दर्जन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आन पार्टी में है तो कांग्रेस से एको चुनाव लड़ना चाहिए। वही में किस आदमी कम से कम देखे गुण दोष के आधार पर ले जाते। संभव से कीर्ति आजाद कांग्रेस उम्मीदवार हुए थे, संभव से बहुमली केसर कांग्रेस उम्मीदवार, तारिक अनवर आबि गए छ। अहाँ देखे चुनाव आयोग आज में बहुत इम्पोर्टेंट लीडर जो आई कैंडिडेट में बीजेपी के हिस्सा है वो कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन में आके नजर आते। प्रेमचंद मिश्रा जी, इनका सा बहुत से सवाल हम सब पूछलिए हैं, चूंकि आई रैली में लग के लॉ बहुत काफी व्यस्त है तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं लग सकल। निश्चित रूप से 3 तारीख के बाद इनका से फिर गप करब। ताबत के लिए दिया हमारा इजाजत। हम राजेंद्र कुमार झा, कैमरामैन दुर्गा के साथ। नमस्कार।